अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल सिंपली क्विकली में आपका स्वागत है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आज मैं आपको अपनी ब्रदर FS101 कंप्यूटराइज शेविंग मशीन के एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये मशीन मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं डालने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो करप्ट हो गया है। ये मशीन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से मिल जाती है। मैंने तो ये ऑफलाइन 18,500 रुपये में लिया है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो ही ब्रदर की कोई भी मशीन लें, क्योंकि छोटे शहरों में इनकी सर्विस नहीं मिलती है। इसमें 100 बिल्ट इन स्टिचेज हैं, 55 कैरेक्टर स्टिच हैं, क्विक सेट बॉबिन है, नीडल थ्रेडर है एंड LED लाइटिंग है। ये है इसकी सारी स्टिचेस और यहीं पे सारे नंबर दिए हुए हैं, इसी से हम स्टिच को सिलेक्ट करेंगे। ये स्टिच का सारा डिटेल वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आगे भी इस तरह के काफ़ी वीडियो मिलते रहेंगे इसकी स्टिचिंग के। ये देखिए, इसमें LED लाइट भी जल रही है, जो कि इस सिलाई करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसका पावर कॉर्ड है पावर सप्लाई के लिए, और इसके राइट साइड में ये जैक है पावर कॉर्ड लगाने के लिए, और ये एयर वेंट है। ये इसका फूड कंट्रोलर, अगर हम चाहें तो फूड कंट्रोलर लगा के भी सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो ये स्टार्ट स्टॉप बटन से भी कर सकते हैं। ये है इसका फूड कंट्रोलर का जैक, जो कि मशीन के बैक साइड में है। ये कुछ एक्सेसरी है जो कि साथ में मिली थी, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। और ये ऑपरेशन मैनुअल है। मशीन के राइट साइड में मेन पावर एंड स्विंग लाइट स्विच है, जिससे मशीन ऑन ऑफ करेंगे। मशीन के राइट साइड में हैंड व्हील है। राइट साइड में ऊपर में ये बॉबिन वाइंडर है, बॉबिन में धागा भरने के लिए। उसी के बगल में ये स्पूल पिन है, जिसमें धागा लगेगा, और इसका स्पूल पिन कैप है, जो कि लगाना ज़रूरी होता है धागा डालने के बाद। ये इसका अपर टेंशन डायल है, जो कि ऊपर में है मशीन के ऊपर में। ये ऊपर में ही बॉबिन थ्रेड वाइंडिंग गाइड है। मशीन के लेफ्ट साइड में ये थ्रेड टेकअप लीवर है, इसी से होकर धागा नीडल तक जाएगा। मशीन के ये लेफ्ट साइड में थ्रेड कटर है, जो कि धागा काटने के लिए यूज़ होता है सिलाई करते में। फ्लैट बेड अटैचमेंट एक्सेसरी कंपार्टमेंट है ये, इसमें कुछ एक्सेसरी भी है। ये देखिए, ये इसमें कुछ प्रेशर फुट और बॉबिन और नीडल है, जिसको लगा देते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन, रिवर्स बटन, नीडल पोजीशन बटन और सेविंग स्पीड कंट्रोलर। ये डिस्प्ले है और ये है ऑपरेशन पैनल। ये फीड डॉग पोजीशन लीवर है, जिसका यूज़ एम्ब्रॉयडरी करते वक्त या बटन लगाते वक्त होगा। मशीन के ऊपर में ये थ्रेड गाइड है। अब मशीन ऑन करते हैं, पावर कॉर्ड लगाकर ऑन कर लेते हैं स्विच से। यहाँ पर भी लाइट ऑन हो गई है, और देखते हैं ये डिस्प्ले भी ऑन हो गया है, और ये ऑपरेशन पैनल में भी लाइट ऑन हो गई है। ये प्रेशर फुट लीवर है, जो कि प्रेशर फुट को अप डाउन करने के लिए है। ये नीडल थ्रेडर है, नीडल में थ्रेड डालने के लिए। और ये है बटन होल लीवर, जो बटन होल बनाने में काम आता है। ये इसका प्रेशर फुट। ये है बॉबिन कवर, इसी में हमारी बॉबिन लगती है। यहाँ से हम स्टिच सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टिच का नंबर दिया हुआ है, यहीं से जो भी स्टिच सेलेक्ट करना होगा नंबर डिस्प्ले पर डालेंगे। ये है उसका विड्थ और लेंथ कम करने या ज़्यादा करने के लिए, चॉइस के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं।
ये है स्टिच सिलेक्शन की, ये है कैरेक्टर स्टिच सिलेक्ट करने के लिए, ये है इसकी कैरेक्टर स्टिच। इसके साथ चार बॉबिन मिली थी और ये इसके साथ बटन होल फुट मिला था बटन का काज बनाने के लिए, जिप लगाने के लिए जिपर फुट, और ये ओवर कास्टिंग फुट है ओवरलॉक करने के लिए, पिको फुट पिको के लिए जिससे दुपट्टे या साड़ी के बॉर्डर को पिको कर सकते हैं, और ये ब्लाइंड स्टिच फुट है ब्लाइंड हेम करने के लिए। मोनोग्रामिंग फुट ये डेकोरेटिव स्टिच के लिए है, ये बटन फिटिंग फुट है जो कि बटन लगाने के लिए है। नीडल सेट, ये सीम रीपर है, इससे सिलाई खोलने में बहुत आसानी होती है। ये स्पूल पिन कैप है, दो साइज का है ये, और ये क्लीनिंग ब्रश मशीन को क्लीन करने के लिए। ये स्क्रू ड्राइवर है, ये एक्स्ट्रा स्पूल पिन है, ट्विन नीडल लगाने में ये यूज़ होती है, ट्विन नीडल से अगर स्टिचिंग करना हो तो। आज के लिए बस इतना ही, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मशीन यूज़ करके दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज।